चलिए आप अपने घुटने पे आ जाएं, अपने हाथ को अपने शोल्डर्स के नीचे और आपके पैर जो हैं आपके हिप्स के डिस्टेंस पे और टोज को साथ में, और यहाँ पे हम लोग कैट काउ पोस्चर करेंगे, मंजरी आसन बीतल आसन। अब अच्छे से ठुड्डी को ऊपर और यहाँ पे अच्छे से पूरा स्क्वीज करिए आप। आंख को भी आप ऊपर ले जाएं और नीचे। ये एक आई एक्सरसाइज हो जाती है जब हम इसको अच्छी तरीके से करते हैं। अच्छी तरीके से आप पूरी स्पाइन को वार्म अप करें, स्पाइन को स्क्वीज करें। फिर आप अपने पैर पे आ जाएं और यहाँ पे आप थोड़ा सा फिर से अपने बॉडी को सामने पीछे, अपने घुटने को ऊपर नीचे, यहाँ पे भी थोड़े से बॉडी को आप वार्म अप करें। और फिर जब आपको लगता है कि अच्छे से वार्म अप हो चुका है, अपने आप एड़ियों को नीचे मैट की ओर, अपने हाथ को और अच्छे तरीके से यहाँ अधोमुख श्वानासन का अभ्यास, पूरे बॉडी में अच्छा लंबा स्ट्रेच, घुटने सीधे, एल्बो सीधी, और इसको अच्छे से होल्ड करें आप। यहाँ पे हर एक आसन पर आप अगर अपने मैक्सिमम पे जाएंगे तो और ज़्यादा लाभ होंगे। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर, और आप अब अपने घुटने पे आ जाएं। शरीर अब हल्का गर्म हो चुका है। अगर आपको लगे कि आपको शरीर को और गर्म करना है तो आप इनको रिपीट करें। फिर आप नीचे आ जाएं, अपने हाथ आप अपने शोल्डर्स के नीचे, पांच उंगलियां मैट पे, ठुड्डी मैट पे, और हाथ आपके साइड में नहीं जाने चाहिए, आपके शरीर के पास। और यहाँ आप लंबी सांस घेरी अंदर और बाहर, इनहेल एक्सहेल, इसको आप डायनामिकली करते रहें। इनहेल और एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। आप अपने नर्वस सिस्टम को ये सिग्नल दे रहे हो कि आप आसन करने वाले हो। तो हम ये भुजंग आसन का वार्म अप कर रहे हैं, और अब नीचे आ जाएं, हील्स को साथ में, एड़ियों को, हाथ शोल्डर्स के नीचे, ठुड्डी आगे, और अपने बटक्स को अच्छे से टाइट करिए और इनहेल के साथ ऊपर आ जाएं। ये हुआ भुजंगासन। जितना आप आ सकते हैं आप आइए, और ये देखिए कि आपके जो पैर हैं साथ में जुड़े हुए हैं, और अपनी छाती को खोलिए, ठुड्डी को ऊपर करिए, और यहाँ पे आप होल्ड करें। अगर आप थोड़ा सा ऊपर आ सकते हैं और आ सकते हैं, या तो इतना ही काफ़ी है। अगर आपके पीठ में आपको स्ट्रेच मिल रहा हो, पर आपके पीठ पे अगर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, आप ऊपर भी आके यहाँ होल्ड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है। लंबी गहरी सांस अंदर, आंख बंद, फेस पे स्माइल, फोकस करिए आपकी रीढ़ की हड्डी में क्या हो रहा है, और छोटे छोटे करेक्शंस आप करते जाएं, छाती को खोलते रहें, रीढ़ की हड्डी को और स्ट्रेच करते रहें, सांस लेते जाएं। और फिर आराम से आप नीचे आ जाएं, और एक मोमेंट के लिए आप मकर आसन में रेस्ट करें। पैर के अंगूठे साथ में, सिर एक ओर, लंबी गहरी सांस, अपने बैक को आप फील करें कि अभी क्या हुआ है। और अब हम दूसरा आसन करेंगे, ये है शलभासन। तो शलभासन के पहले भी थोड़ा सा वार्म अप कर लें हम, इस आसन के लिए हम तैयार हो जाएं। हाथ आप थोड़े से अपने थाइस के नीचे, पाम्स फेसिंग अप, ठुड्डी आपकी आगे, यहाँ से आप अपना सीधा पैर उठाएं, डाउन, लेफ्ट लेग अप, डाउन, राइट लेग अप, डाउन, लेफ्ट लेग अप,
आप इसको करते रहे, आपके पीठ को अच्छी से वार्म अप मिल रही है यहाँ से, और अगर आपके लिए ये काफी है तो आप इसको भी आप रिपीट कर सकते हैं। ये भी बहुत एक बेनिफिशियल वार्म अप है और आपकी बॉडी को तैयार करता है शलवासन के लिए। तो आपकी जो भी स्टेज है आप उसी स्टेज पे रहें। अगर आप ज़्यादा एडवांस्ड होने की कोशिश करें तो इंजरी हो सकती है। योग में जो सबसे बेसिक आसन है वो सबसे अच्छे होते हैं। और अब हम आसन का अभ्यास करेंगे, हाथ को बॉडी के पास, और यहाँ से आप इनहेल करते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और यहाँ पे लंबी गहरी सांस लें। आराम से नीचे आ जाएं और मकर आसन में आप रेस्ट कर लें, अंगूठे साथ में, एड़ियां जमीन पे। अब हम करेंगे धनुरासन का अभ्यास। इसमें पूरी स्पाइन को कंप्रेशन मिलती है। हम अपनी पीठ के हर एक हिस्से को इन आसनों से बेनिफिट दे रहे हैं। अपने घुटनों को बेंड करिए और अपनी एड़ियों को पकड़ लें और यहाँ पे आप कंफर्टेबल हो जाएं। एड़ियों को बाहर से पकड़ना है और अच्छे से यहाँ टिक जाए। अपने आर्म्स जो हैं बिल्कुल पीछे स्ट्रेच होने चाहिए और फिर यहाँ से अगर आप थोड़ा सा और जा सकते हैं तो अपने लेग्स को उठाएं, अपनी छाती को, अपने लेग्स को अच्छे से पूरे ऊपर तरीके से अपने लेग्स को ऊपर ले आए। आप अपने शोल्डर्स को पीछे जाने दें और यह लंबा गहरा सांस ऊपर देखें और इतना सुंदर स्ट्रेच मिलता है पूरे पीठ को यहाँ पे। और यहाँ पे आप थोड़ा सा रॉकिंग भी कर सकते हैं आगे पीछे, ये हमारे ऑर्गन्स के लिए भी बहुत अच्छा है। हम लोग साइड टू साइड भी रॉकिंग कर सकते हैं। और अब आप वापस आ जाएं और एक और बार ऊपर और नीचे आ जाएं और यहीं से आप बालासन पे आ जाएं। माथा योगा मैट पर, हाथ साइड पे, और यहाँ पे आराम से आप रेस्ट करें। बालासन इन तीनों आसना का काउंटर पोज होता है, उसका मतलब विपरीत। अगर आपने इन आसनों को किया है तो आपको विपरीत भी करना ज़रूरी है। तो बैक में अगर कोई भी प्रेशर बना है तो उससे निकल जाएगा। अब आप अपना सीधा हाथ ऊपर, लेफ्ट हैंड अंदर से लें और राइट साइड देखें, एक हल्का सा ट्विस्ट। आपके गर्दन के लिए बहुत अच्छा है ये, आपके शोल्डर्स के लिए। तो अगर कोई भी अड़चन आई हो हम इससे निकाल सकते हैं। कोई भी अगर हमारा अगर कोई भी बैक में कोई भी टेंशन है हम इसको निकाल सकते हैं। दूसरी ओर अच्छे से हाथ को ऊपर खींचें और साइड से अच्छे से खींचें और फिर आप आराम से ऊपर आ जाएं और वज्रासन में बैठें और थोड़े से आप सीटेड कैट एंड काउ कर लें। अगर आप बैक पेन से सफ़र करते हैं तो मैं आपको बहुत सिंपल सी टिप्स बताती हूँ, जो आपका सामान घर पे भी होगा उसको आप यूज़ कर सकते हैं और तुरंत आप इसको अपने ज़िंदगी में अपना सकते हैं। जिस बकेट आप अपने नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उस बकेट में आप थोड़े से यूकलिप्टस के ड्रॉप्स डाल दें, जो नीलगिरी का तेल होता है, और थोड़ा सा गर्म होना चाहिए पानी और आप उससे नहाएं। अगर आप शावर भी ले रहे हैं तो एक बाल्टी या बकेट, जो एक बाल्टी पानी की आप रखें
और थोड़ा सा आखिरी में अपने शावर के आप उस लोटे से पानी अपने ऊपर डाल दें। तो ये यूकलिप्टस का ऑयल जो होता है, नीलगिरी का तेल, बहुत ही लाभदायक होता है बैक पेन के लिए और ये पूरे शरीर में आ जाता है जब हम पानी से नहाते हैं। दूसरी चीज़ है, एक बहुत ही अच्छी इफेक्टिव होम रेमेडी है, आप कोकोनट ऑयल लीजिए, नारियल का तेल और कपूर का तेल, इनको आप साथ में मिक्स करें और 5 मिनट के लिए बॉयल करें और बॉयल करने के बाद आप इसको एक छोटे बॉटल में स्टोर कर लें। उस तेल को आप हफ्ते में 3 बार अपने पीठ पे लगाएं सोने के पहले, और ये जो मसाज आप अपने आप करते हैं आप अच्छे से करिए उसको अपने पीठ पे और पूरे पीठ पे करिए, पूरी रीढ़ की हड्डी पे, बस जहाँ नहीं जहाँ पेन हो रहा है, पूरी रीढ़ की हड्डी गले से लेके नीचे तक, और फिर आप इसको करते रहिए और थोड़े समय पे आपका बैक पेन कम होगा और जा भी सकता है। तीसरी रेमेडी है कि आप कैल्शियम रिच फूड्स खाएं। मेरा फेवरेट कैल्शियम रिच फूड है मखाने, मुझको मखाने इतने पसंद है, ये सच में एक इंडियन सुपर फूड है। तो आप अगर मखाने खाएंगे तो आपकी जो स्पाइन की बोन्स की स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। थैंक यू, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब हम मिलेंगे अगली बार एक नए एपिसोड के साथ।